Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, okay. Thank you. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. I have just gone through the last lecture video and शायद वेडनेसडे तो हो नहीं पाया हमारा क्लास बिकॉज ऑफ पावर फेल्योर. ओके, अदरवाइज लास्ट वीडियो हमने मतलब लास्ट क्लास में हमने फेज और फेज एंगल के पास हमने छोड़ दिया था. ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू आफ्टर दैट. कितने पैरामीटर्स हो चुके थे आप काउंट करके मुझे बता सकते हैं? कोई चार, शायद चार हो गए. तो ये पांचवा है नेक्स्ट. नेक्स्ट वाला है एवरेज वैल्यू. ओके, नेक्स्ट पैरामीटर और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग. व्हाट आर वी स्टडीइंग, व्हाट आर वी डिस्कसिंग सिंस लास्ट क्लास और बिफोर दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट एसी सिग्नल्स एंड स्पेशली एसी साइन वेव सिग्नल व्हिच इज यूज्ड एज अ सोर्स इन एसी सर्किट्स, है ना? प्लीज अंडरस्टैंड, वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट एसी सिग्नल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, फिर उसमें पीरियोडिक में हमने अलग अलग वेव्स को देखा था, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सो ऑन. एंड इस बड़ी लिस्ट में हमने कहा कि साइन वेव ही सबसे बेहतर है. वो क्यों बेहतर है और क्यों हम यूज करते हैं ये चीज भी हमने रीजंस के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. और उसके बाद हमने क्या किया, एसी पीरियोडिक वेव्स के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके पढ़ना शुरू किया, जिसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑफ कोर्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों एक साथ आते हैं. फिर उसके बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, फेज, फेज एंगल, ये सब चीज हमने पढ़ना शुरू किया. और उसी लाइन में, उसी लिस्ट में आपका अगला पैरामीटर है एवरेज वैल्यू. और अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू इज वी आर ट्राइंग टू डिफाइन देम जनरली फॉर एन एसी पीरियोडिक वेव, बट स्पेशली वी आर ट्राइंग टू डिराइव इट फॉर साइन वेव, बिकॉज हमें साइन वेव का यूज आगे करना है. तो हम साइन वेव के लिए स्पेसिफिकली भी पढ़ रहे हैं इनका, हर पैरामीटर का क्या वैल्यू होता है. तो एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ एनी वेव फॉर्म एफ ऑफ टी, सॉरी, हाँ एक काम कर लो, एफ एवरेज ऑफ टी इज गिवन एज 1 बाई टी इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी. ये एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन है. देखने में ये इंटीग्रल, ये बड़ा सा इक्वेशन ये लग रहा है, बट एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू क्या होता है किसी भी वेव फॉर्म का? कोई भी रैंडम वेव फॉर्म अगर आप लेंगे, एवरेज वैल्यू अगर चाहिए तो देखिए, इंस्टेंट वन, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, टी सेवन, ऐसे जितने टीज आएंगे आ सकते हैं. मान लो आपने 20 टीज लिया है, टी वन, टी टू, टी थ्री, टी फोर, टी फाइव, टी सिक्स, अप टू 20. एवरेज क्या होगा, क्या कहते हैं, वैल्यू. अगर मान लो ये वैल्यू आपका एक्स है, ठीक है, या वोल्टेज ही ले लें, चलो वोल्टेज ही ले लो, तो वी वन टी वन प्लस वी टू टी टू प्लस वी थ्री 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 प्लस वी फोर टी फोर एंड सो ऑन अप टू वी ट्वेंटी टी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई 20. इज इट और नॉट? सिंपली ये आप मैथमेटिकली आप जानते हैं ये चीज. इसी चीज को हमने 1 बाई 20, 20 इज नथिंग बट टोटल टाइम पीरियड, 1 बाई टी टोटल टाइम पीरियड, और टोटल टाइम पीरियड इंटीग्रल एफ ऑफ टी डी टी. इंटीग्रल क्यों लिया, क्योंकि ये प्लस है बीच में सबका, और 0 टू टी का मतलब 0 टू टी इंटीग्रल हमने क्यों लिया, क्योंकि ये एक एक ही उसमें नहीं है लगातार, ये 0 टू टी वन एक वैल्यू है इसका. तो ये हो गया 0 टू टी वन, ये हो गया टी वन टू टी टू,
ये हो गया T2 to D3, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसका शॉर्टकट और इसका, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मैंने ये सब चीज क्यों समझाया है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये कोई नया फॉर्मूला है, ये कोई नई फॉर्मूला नहीं है, बिल्कुल नया नहीं है। दिस इज समथिंग विच यू हैव बीन स्टडीइंग इन योर स्कूल क्लासेस ऑल्सो। स्कूल क्लासेस में आपने सीधा सीधा उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके आपने एवरेज वैल्यू फाइंड किया होगा। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने शायद, हो सकता है कुछ लोगों में, आप में से कुछ लोगों ने इंटीग्रल के बारे में पढ़ लिया हो, तो हम इंटीग्रल्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द एवरेज वैल्यू और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन वैल्यू, ठीक है। तो ये इन जनरल किसी भी वेव फॉर्म के लिए है, ये समझ गए ना, कहना है रब दिस। सो आई रिपीट, दिस एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू इज कॉमन फॉर एनी एसी पीरियोडिक वेव, ठीक है। सो एज्यूमिंग कि हमारे पास एक एफ ऑफ टी का वेव फॉर्म है, एसी पीरियोडिक वेव, हम अगर उस एफ ऑफ टी का एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो एफ एवरेज ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1/T, टी इज टोटल टाइम पीरियड, इंटीग्रल 0 to T टोटल टाइम पीरियड, एफ ऑफ टी फंक्शन का जो वेव फॉर्म का वैल्यू है वो इंटू DT। आर यू फॉलोइंग? अब आप पूछ सकते हो सर एफ ऑफ टी क्या है। भाई एफ ऑफ टी सिग्नल वेव का एक्सप्रेशन है, अगर साइन वेव है तो एफ ऑफ टी क्या होगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू VM साइन टी, समझ गए, और एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ये होता है फंक्शन, दिस इज द फंक्शन एफ ऑफ टी, अगर ये साइन वेव है तो। अब अगर ट्रायंगुलर है तो आपको क्या करना है, मैं बस ऐसे ही आपको बता दूंगा, डोंट ट्राई टू गो डीप इन टू इट। ट्रायंगुलर है अगर, मान लो ट्रायंगुलर, ठीक है, तो ट्रायंगल वाले में ये नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव का लिखते हैं। पॉजिटिव के लिए एक लाइन इक्वेशन, आप पॉजिटिव स्लोप से ये लाइन इक्वेशन लिखेंगे और नेगेटिव स्लोप से ये लाइन इक्वेशन लिखेंगे, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका एफ ऑफ टी होगा, समझ रहे हो। मैथमेटिकली लिखना है, जो भी वेव फॉर्म आ रहा है उसको मैथमेटिकली लिखना है, और वेव फॉर्म्स आर नथिंग बट सिंपल मैथ्स का वेव रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, किसी क्वांटिटी का वेव रिप्रेजेंटेशन है। तो रेक्टेंगुलर हो तो भी ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, ट्रायंगुलर हो तो भी, तो वेव फॉर्म के हिसाब से आप फंक्शन को डिफाइन करके फंक्शन को एक्सप्रेशन देंगे इस तरह से। अब अगर हम एफ ऑफ टी, मान लो फॉर साइन वेव एफ ऑफ ओमेगा टी ले लेते हैं, बिकॉज हम तो ओमेगा टी से वो करते बार बार, तो VM साइन ओमेगा टी कर लो, तो अब क्या आएगा, एफ एवरेज ऑफ साइन वेव, एफ एवरेज ऑफ साइन वेव इज इक्वल टू 1/ एक टाइम पीरियड कितना है, एक साइन वेव, एक वेव का साइन वेव का टाइम पीरियड कितना है, कौन बताएगा, साइन वेव का टाइम पीरियड कितना है, साइन वेव, हाँ बोलिए, 2π, बिल्कुल सही, 360 degrees, एक वेव फॉर्म पूरा खत्म होने में एक टाइम पीरियड लेगा और वो कितना है, 2π। ओके, किसी ने कहा है आंसर, बिल्कुल सही है, तो 1/2π इंटीग्रल 0 to 2π VM साइन ओमेगा टी डी, ओमेगा टी लेना है यहां पर, डी ओमेगा टी, बिकॉज अगर आप फंक्शन में ही टी ले रहे हो तो ये टी होगा, फंक्शन में अगर ओमेगा टी ले रहे हो तो ये ओमेगा टी होगा, डी ओमेगा टी, ठीक है। तो आप इसको अगर इंटीग्रल इंटीग्रेट करके अगर आप देखेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन वेव
कितना आ रहा है, जीरो, जीरो आएगा. वेरी सिंपल, आएगा जीरो बिकॉज आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ ए साइन वेव लाइक दिस. एंड कॉमन सेंस की बात है, साइन वेव में इन दोनों का अगर एवरेज निकालोगे तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, और दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो पॉजिटिव जितना होगा नेगेटिव भी उतना ही होगा. तो एक पूरे साइकिल में आप एवरेज निकालोगे तो फिर जीरो नहीं तो और क्या आएगा, इज इट और नॉट. तो साइन वेव का एवरेज वैल्यू आपको जीरो आएगा, ठीक है. सो व्हाट यू डू इज, अगर जीरो आ गया तो फिर इस वैल्यू का मतलब क्या रह गया, है ना, इस वैल्यू का मतलब क्या रहेगा. सो व्हाट डू यू डू इज, सो अप्लाई सेम फॉर हाफ साइकिल. हाफ साइकिल के लिए करोगे क्या, क्या आएगा, एफ एवरेज ऑफ साइन इज इक्वल टू वन बाई पाई, टू पाई के बदले में पाई करेंगे. क्यों करेंगे पाई, बिकॉज इसमें और इसमें फिजिकली तो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज है, मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है. तो अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो इसका भी वही एवरेज रहेगा. आर यू फॉलोइंग? सो यू आर कंसिडरिंग हाफ वेव एट अ टाइम एंड फाइंडिंग आउट द मीन वैल्यू एंड एक्सटेंडिंग इट टू एवरी हाफ लाइक दैट. इसका भी, इसका जितना एवरेज वैल्यू आएगा वही एवरेज वैल्यू इसका भी रहेगा. लेकिन अगर आप चुप रह गए कि भाई साइन वेव का वैल्यू जीरो है, तो आप एवरेज वैल्यू को कहीं यूज ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जिसका वैल्यू जीरो है उसको यूज क्या करेंगे आप आगे कहीं पर भी. जीरो है तो जीरो है, वो किसी काम का ही नहीं है. आर यू फॉलोइंग? सो दैट इज व्हाट वी डू इज, वी अप्लाई द सेम एवरेज वैल्यू फंक्शन फॉर हाफ साइकिल. तो एफ एवरेज ऑफ साइन इज वन बाई पाई इंटीग्रल जीरो टू पाई वी एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी. ये करोगे आप तो वेरी सिंपल, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 2 वी एम बाई पाई आता है, ठीक है, 2 वी एम बाई पाई आंसर आएगा. आप करके देख लेना, 2 वी एम बाई पाई आएगा. और ये मेरे ख्याल से पॉइंट 0.637 वी एम. एक बार देख लीजिए, शायद यहां पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है. 2 बाई पाई का आंसर बताइए क्या आएगा, 2 और पाई को, 2 बाई पाई 0.637 है. किसी ने कहा है अभी 0.63 आ रहा है सर. हाँ 0.639 आ रहा है. 0.63 करके मैं छोड़ देता हूँ, चलो वो बाद में थर्ड डेसिमल जो है कुछ भी आए. 0.63 VM, ओके. तो दिस इज माय एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव, ठीक है, ओके, इज इट ओके? यस सर. ओके, तो अब नेक्स्ट जो है सिक्स्थ वन, आर एम एस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले भाई ये एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू जो अभी पढ़ने वाले हैं, इन सब की जरूरत क्या है? एवरेज वैल्यू क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू यूज एवरेज वैल्यू, व्हाई डू यू वांट टू यूज आरएमएस वैल्यू, कोई बता सकता है? एक्सक्यूज मी, कोई भी आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू की जरूरत क्या है?
अगर नहीं होते ये दोनों तो क्या होता? हाँ, किसी ने कहा पीक वैल्यू देखते हैं, ठीक है, लेकिन पीक से देखिए, पीक तो एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आप मानेंगे या नहीं मेरी बात? पीक वैल्यू मनोज ने कहा कि सर पीक वैल्यू देखेंगे, अगर एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू नहीं है तो पीक वैल्यू देखेंगे, लेकिन आप वेवफॉर्म में अगर देखेंगे तो पीक वैल्यू तो एक इंस्टेंट का वैल्यू है, और वो भी एक साइकिल में एक बार या दो बार आता है, तो बाकी पॉइंट्स के बारे में क्या है? है ना, वैभव ये सवाल ना ये लास्ट में पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। हमने जो एक्चुअली जो ए प्लस 90 ए माइनस 90 वाला हमने जो लिया है वो सही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। हाँ, आरएमएस वैल्यू, ये वैभव ही कह रहा होगा, आरएमएस वैल्यू हेल्प्स फाइंड द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, बिल्कुल सही है, बट अभी स्टूडेंट्स को इफेक्टिव वैल्यू का मतलब, आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, तो आपने कोई नई बात नहीं बताई, और बेहतर समझाने की कोशिश करो कुछ और बेटर। सर अगर एवरेज वैल्यू लेंगे तो वो एसी की जो जीरो आएगा, और आरएमएस से हम आसानी से इफेक्टिव वैल्यू निकाल सकते हैं एसी की, एवरेज से वो जीरो आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कुछ आंसर आप नजदीक है, आप जो भी बोला है आपने, पहली बात तो एवरेज वैल्यू हमें अगर सीधा अप्लाई कर दिया एक साइकिल के लिए तो जीरो आ गया, तो हम लॉजिकली हम यूज ही नहीं कर सकते जीरो को, तो इसलिए हमने आरएमएस वैल्यू निकाला है। दूसरी बात, आरएमएस वैल्यू इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर यू कैन से आरएमएस इज मोर व्हाट डू यू से राइट चॉइस देन एवरेज वैल्यू। हम अगर मैंने आपसे पूछा जैसे सर आरएमएस वैल्यू को डीसी और एसी करंट को कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि आपके घर में अभी कितना वोल्टेज अवेलेबल है, ठीक है, कितना वोल्टेज अवेलेबल है किसी भी टर्मिनल पे, किसी भी स्विच बोर्ड में, किसी भी प्लग पॉइंट में, तो आप नॉर्मली बताएंगे कि सर हमारे घर में 230 वोल्ट आता है, यही है ना, यही जवाब होगा आप लोगों का। तो ये 230 वोल्ट्स क्या है? हाउ डिड यू से दैट इट्स 230 वोल्ट्स? बिकॉज घर में जो सप्लाई आ रहा है वो तो अल्टरनेटिंग है, तो इसमें कौन सा पॉइंट 230 है? आप जो 230 कह रहे हो, है ना, मेरा सवाल समझ में आया आपको? आपका सिंपल जवाब होगा सर 230 है, लेकिन 230 इसमें से कोई एक पॉइंट हो तब ना, 230 इसका इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है, 230 इज एक्चुअली आरएमएस वैल्यू, और हम जहां पर भी वोल्टेजेस और करंट्स मेजर करते हैं या बताते हैं कि इतना वोल्टेज है इतना करंट है, ऑल दीज वैल्यूज आर आरएमएस वैल्यूज ओनली, वी विल नॉट इवन यूज एवरेज वैल्यू, बिकॉज एवरेज वैल्यू में ये क्योंकि दिक्कत था और हमने जुगाड़ करके हमने हाफ साइकिल के लिए निकाल के फिर हमने कहा कि यही चीज हम किसी दूसरे हाफ साइकिल्स को लिए भी लागू करेंगे करके हमने छोड़ दिया। सो इससे बेहतर हमने कोशिश किया कि एवरेज वैल्यू में क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा है, इससे बेहतर कोई दूसरा वैल्यू निकाले, फाइंड करे, जो कि हमें साइन वेव और साइन सिग्नल का एक अच्छा नमूना, अच्छा वैल्यू प्रेजेंट कर सके हमें। इसलिए हमने क्या किया, आरएमएस वैल्यू को निकाला, और आरएमएस इज एक्सटेंशन ऑफ एवरेज वैल्यू। क्या कर रहे हैं आप देखिए, मीन वैल्यू तो है ही इसमें, आरएमएस में ये मीन तो है ही। अब मीन को आप क्या कर रहे हो, मीन को आप रूट भी दे रहे हो और स्क्वायर भी दे रहे हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर मीन का रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ देंगे तो वो तो मीन ही बनेगा, नहीं, आप फॉर्मूला देखिए, एक्सप्रेशन फिर समझ में आएगा। तो एफ फंक्शन का आरएमएस ऑफ टी इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रल 0 टू टी
एफ ऑफ टी डी टी, ये तो आपका एवरेज वैल्यू हो गया, तो मीन का काम कर गया। अब रूट और स्क्वायर को भी देना है आपको, तो रूट आप पूरा एक्सप्रेशन को देंगे और स्क्वायर सिर्फ फंक्शन को देंगे। क्लियरली देखिए, आपने एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन लिखा पहले, तो मीन का काम हो गया, फिर आपने रूट लगाया पूरे एक्सप्रेशन के लिए, और फिर स्क्वायर लगाया आपने सिर्फ फंक्शन के लिए। तो रूट, मीन, स्क्वायर, तीनों चीजें सेटिस्फाई हो गई है। आर यू फॉलोइंग? मोर एक्यूरेट देन एनी अदर वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट बिकॉज एसी इज वेरी बिग, राइट। मेजर ऑफ हीटिंग इफेक्ट, सिद्धार्थ ये भी सही है, अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा अभी जस्ट दो तीन मिनट में बताऊंगा सबको, मतलब आप जानते हैं लेकिन सबको भी पता होना चाहिए। तो आकाश ने जो कहा, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट बिकॉज इट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, बिल्कुल सही। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू हम क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो एसी सिग्नल्स है, साइन वेव, ट्रायंगल वेव या जो भी पीरियोडिक वेव, ये कभी एक कांस्टेंट वैल्यू पे नहीं रुकते हैं। दे कीप ऑन वेरिंग लाइक दिस, दे कीप ऑन वेरिंग, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, साइन वेव, इज इट ऑर नॉट? तो एवरी वेव फॉर्म हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट इंस्टेंट। तो आप, अगर आपसे किसी ने कहा इस साइन वेव का वैल्यू क्या है, इस ट्रायंगुलर वेव का वैल्यू क्या है, तो आप कौन सा वैल्यू बताएंगे उसमें? सो इट इज इम्पॉसिबल। आप किसी ने कहा पीक वैल्यू, लेकिन पीक वैल्यू तो एक इंस्टेंट का है, वो तो सिर्फ आप उसको सिर्फ पीक के टाइम में बता रहे हैं कि भाई पीक में इतना है, बाकी टाइम। तो यू नीड टू हैव वन वैल्यू विच कैन रिप्रेजेंट द होल वेव फॉर्म, द होल साइकिल ऑफ द वेव फॉर्म, दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव वैल्यू, और दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वेयर, आर एम एस वैल्यू। ओके, यस, इट इज अ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वेरिंग वोल्टेज और करंट। आप शिवम, आप उसको ना इट इज द इफेक्टिव वैल्यू करके बोलिए, इट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेरिंग वोल्टेज और वेरिंग करंट, ठीक है? तो आर एम एस वैल्यू आपका अच्छा, इसको मैं डिफाइन करता हूं, चलिए मैं डेफिनेशन लिख दूं ताकि आपको आसानी रहेगी। प्रॉपर डेफिनेशन मैं दे दूंगा, एक नहीं मैं दो दे दूंगा, क्योंकि हम दोनों तरीकों में इसको समझेंगे। एक तो जैसे अभी शिवम ने कहा, इट इज एन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेरिंग सिग्नल, मैंने जनरल डेफिनेशन दे दिया। अब यहां पर आप सिग्नल के बदले में वेरिंग साइन वेव, वेरिंग ट्रायंगुलर वेव, कुछ भी कर दो यहां पर, ठीक है? ये तो ये एक हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है और आपको समझना भी है, वो ये है कि इट इज एन इक्वलेंट डीसी वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी। Which, when passed through a coil or conductor, will produce same heat in same heat as the DC quantity। ये थोड़ा लंबा है और समझने में एक दो मिनट लगेंगे, प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। देखिए, हमारे पास AC quantity है, ठीक है, जो वेरिंग है सिग्नल, इसके हिसाब से
और आप देख भी रहे हो कि हम वेरिंग सिग्नल्स पर ही काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वेरिंग सिग्नल है एसी क्वांटिटी, हम उसका एक वैल्यू में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपके घर में एक एसी साइन वेव आ रहा है लगातार कंटिन्यूअसली विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, लेकिन आप उसका वैल्यू एक में एकमात्र वैल्यू में बता रहे हो 230 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, आप एक एसी क्वांटिटी का एक इक्वलेंट डीसी वैल्यू बता रहे हो, ठीक है? आप एक एसी क्वांटिटी का इक्वलेंट डीसी वैल्यू बता रहे हो। डीसी वैल्यू कैसे होता है, वेरिंग होता है या कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट एन एसी क्वांटिटी इनटू अ डीसी क्वांटिटी, लेकिन उसका उसके लिए एक लॉ, एक कंडीशन ओबे करना जरूरी है। वो क्या है, नीचे से कंडीशन लिखा हुआ है, व्हेन, दो बार आ गया व्हेन, अच्छा विच व्हेन, सॉरी, कंडीशन क्या है कि इट इज एन इक्वलेंट डीसी वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी विच व्हेन पास्ड थ्रू ए कॉइल और ए कंडक्टर विल प्रोड्यूस सेम हीट एज द डीसी क्वांटिटी। मतलब अगर मैं यहां पर मैं रब कर रहा हूं, कोई सम अगर कोई समझ गया इस स्टेटमेंट को तो बहुत अच्छा है, आप चाहो तो चैट बॉक्स में मुझे समझा सकते हैं एक स्टेटमेंट में, वरना सुनिए, मेरे पास एक एसी क्वांटिटी है, ठीक है, और इस एसी क्वांटिटी को मैं एक सिंगल डीसी के रूप में दिखाना चाह रहा हूं, मतलब एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसके लिए मुझे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। क्या है, अगर मैं इस एसी क्वांटिटी को एक कंडक्टर के अंदर से पास करूंगा, कंडक्टर ए बी, ठीक है, और एज और से कि मैं जब इस एसी क्वांटिटी को इस कंडक्टर से पास किया तो इसमें डेफिनेटली हीट लॉस होगा, आप जानते ही हैं हीट लॉस होता है किसी भी कंडक्टर में, है ना? तो ये हीट लॉस अगर एक्स है, ठीक है, अब इस एसी क्वांटिटी को मुझे डीसी में रिप्रेजेंट करना है या इसका आरएमएस फाइंड करना है, तो वो आरएमएस कितना होगा, वो उतना डीसी क्वांटिटी होगा जितना कि उसी ए बी में अगर आप इस डीसी क्वांटिटी को पास करोगे तो उतना ही हीट लॉस प्रोड्यूस करे, एक्स ही प्रोड्यूस करे, तब इसका आरएमएस वैल्यू ये होगा। सपोज से ये आपका एसी क्वांटिटी है और इसका जो इसका जो हीट लॉस आ रहा है वो मान लो 100 वॉट आ रहा है हीट लॉस, या 100 जूल्स आ रहा है, हीट है ना, तो हम 100 जूल्स की बात करते हैं, 100 जूल्स दे रहा है हीट लॉस, और मान लो कि 10 वोल्ट डीसी देने पर उसी कंडक्टर में उतना ही हीट लॉस अगर आ रहा है, तो इस एसी क्वांटिटी का आरएमएस वैल्यू 10 वोल्ट है। आप 10 वोल्ट डीसी नहीं बोलते हैं, तब आरएमएस बोलते हैं, 10 वोल्ट आरएमएस बोलते हैं। आर यू फॉलोइंग? दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली, इसलिए मैं समझा रहा हूं इसको क्लियरली, ओके? नीचे जाइए कमेंट्स में थोड़ा सा, हाँ, अटेम्प्ट्स टू फाइंड एन एवरेज वैल्यू ऑफ एसी डायरेक्टली प्रोवाइड यू द आंसर जीरो, हेंस आरएमएस वैल्यूज आर यूज्ड टू फाइंड, ओके, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी व्हिच टेल्स अस एनर्जी ट्रांसफर कैपेसिटी ऑफ एसी, ओके। दुष्यंत कह रहा है रिपीट दिस, पहले मैं स्टेटमेंट रिपीट करूंगा फिर मैं इसको रिपीट करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आरएमएस वैल्यू इज नथिंग बट ए सिंगल वैल्यू फॉर एन अल्टरनेटिंग वेव, ठीक है, और वो सिंगल वैल्यू क्या है, हमेशा सिंगल वैल्यू किसका होता है, एक डीसी क्वांटिटी का एक सिंगल वैल्यू होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू रिप्रेजेंट आरएमएस एज एन इक्वल एंड डीसी वैल्यू ऑफ एन एसी क्वांटिटी,
कब, व्हेन ये कब होगा, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस एसी क्वांटिटी का यही डीसी वैल्यू आरएमएस है, उसके लिए एक कंडीशन है, क्या है, विच व्हेन पास्ड थ्रू ए कॉइल और कंडक्टर, एसी क्वांटिटी को एक कंडक्टर या कॉइल में पास करने से जो हीट प्रोड्यूस होता है, अगर वो हीट उस डीसी क्वांटिटी को उसी कंडक्टर और कॉइल में पास करने से अगर उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, तो ये दोनों एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के नहीं, इस एसी क्वालिटी का ये आरएमएस वैल्यू है, ये तय कर सकते हैं आप, ये है लॉजिक, ठीक है। सर एसी क्वालिटी को एम्प में क्यों नहीं लेंगे, एम्प में भी ले लो भाई, कोई बात नहीं, ये वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है, इट कैन बी इन वोल्ट्स और करंट, ठीक है, इट कैन बी वोल्ट्स और करंट, नो प्रॉब्लम, आई मीन एम्प्स, ठीक है। बस अब आप इसको साइन वेव के लिए अप्लाई करके देखिए, आरएमएस ऑफ साइन वेव निकालिए, आपके पास सब कुछ तैयार है, एफ आरएमएस ओमेगा टी साइन वेव है, तो वीएम सॉरी 1/2π इंटीग्रल 0 to 2π वीएम साइन ओमेगा टी, ये तो आपका एवरेज वैल्यू का एक्सप्रेशन हो गया, इसमें आप अंडर रूट दे दीजिए और Vm sin omega t dt, d omega t, Vm sin omega t को स्क्वायर कर दीजिए, फंक्शन को स्क्वायर करना था ना, तो पहले तो मीन लिख दिया, फिर रूट लिखा, फिर स्क्वायर भी लिख दिया, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Vm by root 2, आप सॉल्व करके देखिए, तो Vrms is equal to Vm by root 2, जैसे आप लोगों ने कहा करंट भी ले सकते हैं, अगर करंट लेंगे तो Irms is equal to Im by root 2, that's all, any quantity, alternating quantity है, कोई भी पैरामीटर, वोल्टेज हो या करंट हो, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं अपने आप, और करेंगे भी आप, ठीक है, तो ये डिराइव कर लेना तो आपको Vm by root 2 मिल जाए, इज इट ओके। तो आप देखिए कि हमारे पास दो वैल्यूज आ गए, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, और इसका वीएम बाय रूट टू को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.707 सॉरी वीएम, तो आपको एवरेज वैल्यू 0.637 वीएम आया है, और आपको पीक वैल्यू सॉरी आरएमएस वैल्यू 0.707 वीएम आया है, ठीक है। के बाद आपका सेवेंथ वन, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एक्चुअली वेव फॉर्म टू वेव फॉर्म चेंज होते रहता है, फॉर्म फैक्टर जो है वेव फॉर्म टू वेव फॉर्म चेंज होते रहता है, कभी कभी हम लोग गलत फहमी में भी आ सकते हैं कि जैसे मान लो टू अल्टरनेटिंग वेव्स हैं, ठीक है, टू अल्टरनेटिंग वेव्स के सेम पीक और सेम फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं, टू अल्टरनेटिंग वेव्स के, ध्यान से सुनिए, टू अल्टरनेटिंग वेव्स के सेम पीक और सेम फ्रीक्वेंसी हो सकता है, लेकिन दोनों के शेप अलग हो सकते हैं, दोनों को वेव फॉर्म अलग हो सकता है कि नहीं, सिंपल है, साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव ले लो, साइन वेव में जो पीक आता है वो वन पे मान लो आता है, अगर ट्रायंगुलर वेव का भी वन पे आ गया तो हमारी गलती क्या है उसमें, ऐसा कोई वेव आ रहा होगा जिसका पीक वैल्यू वन है, तो फ्रीक्वेंसी दोनों का 50 हर्ट्ज हो सकता है, लेकिन वेव फॉर्म में अंतर हो गया, तो देयरफॉर इस तरह के केसेस में कॉन्फिगरेशन ही बदल जाता है, वेव फॉर्म ही बदल गया, हम लोगों को ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि क्योंकि पीक वैल्यू और व्हाट डू यू से फ्रीक्वेंसी सेम है तो वेव फॉर्म भी सेम होगा, ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या डिफाइन किया, डिफरेंट वेव फॉर्म्स को क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज करने के लिए हमने फॉर्म फैक्टर एक डिफाइन किया, फॉर्म फैक्टर FF इज गिवन बाई वी आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ठीक है।
हर वेव फॉर्म का एवरेज, आरएमएस और एवरेज अलग अलग होता है, ट्रायंगलर का अलग, स्क्वायर का अलग, तो इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमें उसका फॉर्म फैक्टर आ जाएगा उस वेव का, वो चाहे कोई भी वेव हो, कोई भी सिग्नल हो। तो अगर हम फॉर्म फैक्टर ऑफ साइन निकालना चाहें तो आरएमएस वैल्यू कितना है 0.707 वीएम, एवरेज वैल्यू कितना है 0.637 वीएम, तो ये आएगा 1.11 वीएम। वीएम तो कैंसिल हो जाएगा, आपका फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज 1.11। ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट्स नहीं होगा क्योंकि रेशियो है ये, समझ गए। एक साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 है, सिंपल। ऐसे आप किसी भी वेव का फॉर्म फैक्टर निकाल सकते हैं अगर आप उसके आरएमएस और एवरेज जानते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वाला, एट, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर ऑफ ए, पीक फैक्टर इन जनरल इज गिवन बाय आरएमएस बाय एवरेज। तो पीक फैक्टर जो है पीएफ, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। तो ये आपका आएगा साइन वेव के लिए अगर आप निकालेंगे तो पीक वैल्यू इज वीएम डिवाइडेड बाय 0.707 वीएम, तो 1/0.707 इज 1.414। तो साइन वेव का पीक फैक्टर 1.414 आ गया। आर यू फॉलोइंग? ये आपके पैरामीटर्स है, प्रॉपर्टीज है, किसी भी एसी वेव का प्रॉपर्टी है, किसी भी एसी वेव का प्रॉपर्टी है। अभी मैं क्लास बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपके लैब के लिए, आपका लैब शुरू होना था ईसीएम का, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको थोड़ा पहले ही पता हो तो बेटर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूंगा ईसीएम लैब का। खासकर एक्चुअली ईसीएम लैब में दो भाग है, जैसे हमने पहले क्लास में भी कहा था, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और मेजरमेंट्स। सर्किट्स में तो आप जानते ही हैं सर्किट के कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, आप देख के भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब तो तीनों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिल गया। इलेक्ट्रिकल सर्किट का पार्ट तो ठीक ठाक है, बट मेजरमेंट्स आपको अभी कुछ भी नहीं पता, तो थोड़ा सा उसका मैं इंट्रो ही दे दूंगा, थोड़ा सा मेजरमेंट्स। जस्ट आपको कभी लैब शुरू हो जाएगा, आज होना था, पता नहीं होगा कि नहीं मुझे, तो लैब के सर ने कहा है कि थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दूं कि मेजरमेंट्स होता क्या है। तो हम ECM में हम मेजरमेंट्स के बारे में चर्चा करना चाहेंगे अभी। और मेजरमेंट्स है क्या, मेजरमेंट का मतलब नापना है ना, मेजरमेंट्स का मतलब नापना, मतलब मेजर करना, किसी चीज का नापाई करना। भाई हर चीज का मेजरमेंट होता है यहां पर, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपका भी तो मेजरमेंट हो रहा है। आपके पढ़ाई का मेजरमेंट क्या है, एग्जाम्स, ग्रेडिंग, इंटरनल एक्सटर्नल, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये पूरा आपका मेजरमेंट है ना। और मतलब हर चीज की मेजरमेंट होती है। आप घर में बैठे हो, घर में आप फैन चला रहे हो, क्योंकि फैन इसलिए चला रहे हो ताकि आपको गर्मी लग रही है। गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री से ऊपर है या 35 डिग्री से ऊपर है, तो टेम्परेचर का वहां नपाई हो रहा है ना। और आप अगर अपने घर से कॉलेज जाना चाहोगे तो आप गाड़ी से आओगे या बाइक से आओगे, साइकिल से आओगे। अगर कोई क्या कहते हैं फतेहाबाद से आना है किसी को, तो वो साइकिल से नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दूर पड़ता है। दूर क्यों पड़ता है, क्योंकि डिस्टेंस नापते हैं आप। डिस्टेंस नापने से आपको पता चलेगा कि 20 किलोमीटर है फतेहाबाद फॉर एग्जाम्पल, तो 20 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 20
इज द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस. तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ यू मेजर समथिंग और अदर. ठीक है, तो मेजरमेंट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ बेसिकली. ऐसे ही जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ रहे हो तो इसमें सर्किट्स में आप कई सारे कॉम्पोनेंट्स पढ़ेंगे, सोर्सेस, लोड्स, रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, प्रॉपर्टीज और वोल्टेजेस, करंट्स, पावर्स. तो एवरी सच पैरामीटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, ये सब चीजों को जब तक आप मेजर नहीं करेंगे तब तक आप प्रैक्टिकली उनके बारे में एनालाइज ही नहीं कर सकते, उसके वैल्यू पता ही नहीं कर सकते. भाई ऑन पेपर आप कुछ भी कर लो, ऑन पेपर आपने यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट को, बहुत बड़ा सर्किट को आपने सॉल्व कर दिया, हर सर्किट का क्या कहते हैं, हर सर्किट में हर करंट और हर वोल्टेज को आपने ऑन पेपर निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है. लेकिन जब आपको बाहर फील्ड में ले जाके आपसे कहा गया कि करो यही चीज, तो आप वहां बैठ के फिर पेपर नहीं निकालोगे, वहां तो आपको लाइव में मेजरमेंट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो कैलकुलेशंस आपने ऑन पेपर किया है वो क्या सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. दिस इज हाउ यू वेरीफाई. तो मेजरमेंट हम यहां जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है ना, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. और इलेक्ट्रिकल में हम क्या मेजर करना चाहेंगे, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, पावर, एनर्जी. दीज आर द मेन टर्म्स विच वी कम अक्रॉस व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. तो इनको नापने वाले डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे आगे तो पढ़ेंगे. अभी के लिए मैं क्या करना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, प्राइमरी सेकेंडरी. प्राइमरी को एब्सोल्यूट बोलते हैं, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आप इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कर दो. तो आपको आगे से याद रख लेना, जो भी मैं नाम दे रहा हूं उसके साथ इंस्ट्रूमेंट्स लगा देना, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स INST कर दिया मैंने, इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स INST. ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स इज अ सेकेंड टाइप. व्हाट आर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच इंडिकेट एनी quantity as a proportion of deflection, as a proportion of deflection. सही है वैसे, और बेटर मैं क्या लिखूंगा इसको. अब बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं, अगर मैं एक एग्जाम्पल बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा. वेरी सिंपल, गैल्वेनोमीटर देखा होगा आप लोगों ने, है ना, स्केल होता है ऐसे, और गैल्वेनोमीटर जो है किसी भी सर्किट में आप लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन दिखाता है ना. आपने टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वैसे गैल्वेनोमीटर्स देखे होंगे आपने 10th में या 12th में, आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा फिजिक्स में. तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो वैल्यू नहीं बताता है, वो सिर्फ डिफ्लेक्शन बताता है. तो अगर कम डिफ्लेक्शन है, मान लो आप वोल्टेज नाप रहे हो और गैल्वेनोमीटर में कम डिफ्लेक्शन है तो लो वोल्टेज है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो हाई वोल्टेज है, समझ रहे हो आप. तो प्रोपोर्शनल मेजरमेंट आप कर पा रहे हो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में या प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में, आप प्रोपोर्शनेट मेजरमेंट आप कर पा रहे हो. तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच इंडिकेट एनी क्वांटिटी, मान लो आप वोल्टेज को मेजर करना चाह रहे हो तो इट इंडिकेट्स अ वोल्टेज विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्शन है उसके प्रोपोर्शनली आप वोल्टेज
नाप सकते हो, ज्यादा कम, बस कोई स्पेशल वैल्यू आप ठीक से नहीं निकाल पाएंगे। वेर एज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स दे इंडिकेट एनी क्वांटिटी डायरेक्टली एज डिफ्लेक्शन। कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है इसमें, डायरेक्टली डिफ्लेक्शन में ही आपको उसका वैल्यू पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे ही एक मीटर ले लूं तो वो मीटर पता है क्या करेगा, मीटर पे स्केल रहेगा और स्केल पे वैल्यूज रहेंगे जैसे 0, 10, 20, तो आपका मीटर जो है ऐसे दिखाएगा और बोलेगा कि भाई 20 पर है तो ये इस क्वांटिटी का वैल्यू 20 है, ये बताए। ये होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसका एग्जाम्पल है आपके गैल्वेनोमीटर्स और इसका एग्जाम्पल आपके वोल्ट मीटर, एम मीटर, वॉट मीटर, जो आप रेगुलरली अपने लैब्स में या कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट गिविंग यू द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दे आर जस्ट गिविंग यू कि हाउ मच प्रपोर्शनेट द मूवमेंट और हाउ मच प्रपोर्शनेट द वैल्यू इज द क्वांटिटी इज। तो इससे हमारा ज्यादा नॉलेज, मतलब हमें ज्यादा नॉलेज की जानकारी नहीं होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एब्सोल्यूट के बाद प्राइमरी सेकेंडरी को लिया, जिसमें जिसमें हम सीधा सीधा वैल्यू को नोट करेंगे। तो यहां पर दोनों में डिफ्लेक्शन कॉमन है, ठीक है, लेकिन ये डिफ्लेक्शन सिर्फ प्रोपोर्शनल वैल्यू दिखाता है और ये डिफ्लेक्शन एक एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। आर यू फॉलोइंग? कुछ समझ में आया? कोई कमेंट नहीं आ रहा है तो मैं क्या सोचूं, आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो, एग्जाम्पल प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स का मैंने कोई और एग्जाम्पल, देखिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही कम है, गैल्वेनोमीटर्स के बाद इतने ज्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर्स भाई प्राइमरी से ज्यादा एडवांटेज क्या है, कुछ एडवांटेजेस ही नहीं है, है ना, तो इसलिए इनमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें आपके बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स है। सारे इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो वो यही है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स ही है। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट सर एब्सोल्यूट क्यों है? हाँ जी, प्राइमरी में जो है वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू होती है। यस सर, लेकिन वो वैल्यू मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो प्रपोर्शन होता है। आप चाहो तो उसका गैल्वेनोमीटर के थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिए, वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो प्रपोर्शनल होता है। अगर मान लो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर स्केल मान लो यहाँ पर 5 पर है और आपका अगर 5 पे आया है तो, और आप वोल्टेज नाप रहे हो तो वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 5 बट वोल्टेज इज प्रपोर्शनल टू 5 और वोल्टेज इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू 5, ये होता है, दैट इज द डिफरेंस हियर। यहां पर क्या है, वोल्टेज इज इक्वल 20 फिक्स्ड, यहां पर कोई प्रपोर्शनल नहीं आता बीच में, समझ गए? फाइनली जो आप मीटर को देख के नोट करते हो, यहां पर मीटर को देख के आप गैल्वेनोमीटर में आप कुछ वो करते हो, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट्स में आप डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो, है ना, क्या डिफ्लेक्शन, नीडल, पॉइंटर, हम पॉइंटर्स का वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, पॉइंटर्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, है ना, पॉइंटर्स मूव करना है तो डिफ्लेक्ट करना है, तो ये जो डिफ्लेक्शन चाहिए, डिफ्लेक्शन इफेक्ट, डिफ्लेक्शन इफेक्ट इज अचीव्ड बाई फॉलोइंग
भाई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस भी तो करना है आपको, आप ही तो तैयार करेंगे, मतलब मैनुअली आप तैयार कर रहे हैं। हाँ डायरेक्शन भी दिखाता है और वैल्यू भी दिखाता है, मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्शन भी दिखाता है, वैल्यू भी पूरा पूरा वैल्यू एग्जैक्टली नहीं दिखाता है आपको, फिर बीच में एक कॉन्स्ट वो करना पड़ेगा, एक प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन इफेक्ट जो हम कह रहे हैं कि नीडल मूव करेगा, डिफ्लेक्शन इफेक्ट इज अचीव्ड बाय फॉलोइंग, उस डिफ्लेक्शन को आप कैसे लेकर आ सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब तरीके हैं, आप मैग्नेटिज्म को यूज करके डिफ्लेक्शन ला सकते हैं। आप जानते हैं ना मैग्नेटिज्म कैसे यूज करें, भाई एक नॉर्थ पोल के पास एक साउथ पोल लेकर आएंगे तो डिफ्लेक्शन आएगा कि नहीं, एक नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ लेकर आएंगे तो भी डिफ्लेक्शन आएगा। आप एक एक पोल के पास एक मैग्नेटिक मटेरियल, स्क्रीन नहीं आ रही है सर, क्या सर स्क्रीन नहीं आ रही है सर, आपके एंड से कोई प्रॉब्लम होगी, स्क्रीन नहीं आ रही है। तो मैं क्या कह रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट में आप पोल टू पोल दिखा सकते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल के पास एक मैग्नेट को ले आइए तो भी डिफ्लेक्शन आएगा। तो मैं उन इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट है, मतलब दीज आर ऑल पॉसिबल वेज टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन दोज मीटर्स, इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, सिंपल मैग्नेटिक तो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, और फोर्थ हीटिंग इफेक्ट है, हीटिंग से भी डिफ्लेक्शन ला सकते हैं आप, ठीक है। और फिफ्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट है। तो दीज आर ऑल पॉसिबल वेज टू ब्रिंग इन और टू प्रोड्यूस डिफ्लेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो डिफ्लेक्शन हम पॉइंटर का देखना चाह रहे हैं उस डिफ्लेक्शन को हम इन तरीकों से, इनमें से किसी एक तरीके से मतलब डिफ्लेक्शन बना सकते हैं। सर आपका क्लास है क्या नेक्स्ट, आपका क्लास है हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें और वो भी सेकेंडरी का, क्योंकि हमने कहा कि हमारा मेन इंटरेस्ट सेकेंडरी ही होगा, हम प्राइमरी यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट वन, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप चाहो तो नोट कर लीजिए, अगर आप नोट कर रहे हो तो, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स आर एब्सोल्यूट, हमने कहा एब्सोल्यूट का मतलब दे नीड नॉट बी यू नो कैलिब्रेटेड, वो किसी दूसरे मीटर से कंपेयर नहीं करेंगे आप, कैलिब्रेशन मतलब कंपेयर करना और उसको करेक्ट करना, जैसे पॉइंटर अगर जीरो पे नहीं है, ठीक है, पॉइंटर जीरो पे नहीं है, अगर वन पे है तो आप क्या करोगे उसको सेट करके जीरो पे लाओगे, वैसे पॉइंटर जीरो पे होना चाहिए। तो ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स है वो ऑलरेडी कैलिब्रेटेड माना जाता है, ठीक है, तो उनको कैलिब्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे स्टैंडर्ड मीटर से कभी कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो हमने कहा कि वोल्टमीटर एमीटर जो हम यूज करते हैं, दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, सो दे नीड टू बी कैलिब्रेटेड। तो इनको क्या करते हो, कोई रेफरेंस मीटर को लेकर, एक स्टैंडर्ड मीटर को लेकर उनसे कंपेयर करके इसको कैलिब्रेट करते हैं। खैर ये सिर्फ नोट करने का पॉइंट है, हो सकता है ये चीज आप लैब में थोड़ा बेटर समझे, तो ये नोट कर लो, आप चाहो तो लैब में पूछ लेना। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है और प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स में कैलिब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कैलिब्रेशन का मतलब किसी दूसरे स्टैंडर्ड मीटर से कंपेयर करके करेक्ट करना कि क्या मीटर सही चल रहा है कि नहीं, ये कैलिब्रेशन बोलते हैं इसको। देन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, देन
recording instruments or then integrating instruments. ठीक है, आप मेरे हिसाब से आप जानते ही हैं इन सब के एग्जांपल्स, बट आप ये नहीं जानते कि वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं. इंडिकेटिंग, वोल्टमीटर, वी करके लिख दिया मैंने इंडिकेटिंग में. इंडिकेटिंग मतलब सिर्फ नीडल वाला, वोल्टमीटर, एमीटर भाई जिसमें इंडिकेटर होता है, वाटमीटर. ठीक है, ये सब आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. नॉर्मल आपके ओडोमीटर, ओडोमीटर मतलब गाड़ी में जो वो किलोमीटर बताता है, स्पीड बताता है ना, वो ओडोमीटर आपके टू व्हीलर, फोर व्हीलर वगैरह में, ये सब आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. खैर आजकल तो वो इंडिकेटिंग वाले तो आ ही नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट सब डिजिटल हो गए आपके. ठीक है, फिर भी हम तो अभी सब्जेक्ट में वही पढ़ रहे हैं, डिजिटल वाले नहीं पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स कोई बता सकता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का एक? ये मत बताइए टेप रिकॉर्डर मत बताइए आप, या सीडी मत बताइए. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट जो किसी वैल्यू को रिकॉर्ड करे, जानते हैं कोई? थर्मामीटर हो सकता है क्या? नहीं, जोर से. थर्मामीटर हो सकता है क्या? थर्मामीटर वो इंडिकेटिंग हो सकता है, रिकॉर्डिंग कहाँ? थर्मामीटर इंडिकेटिंग होगा बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है. स्टॉपवॉच, स्टॉपवॉच कैलकुलेटर हो सकता है? कैलकुलेटर इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग थोड़ी है. अच्छा आप कह रहे, मतलब मैं नीडल वाले बता रहा हूँ भाई, कोई वेवफॉर्म या कोई नीडल वाले बता रहा हूँ, ऐसे डिजिटल वाला मत बोलिए प्लीज. सिस्मोमीटर, सिंपल थर्मामीटर ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर भी नहीं आता है इसमें. मैं तो सिंपल थर्मामीटर, वाटमीटर, वाटमीटर तो मैंने बता दिया यहाँ पर इंडिकेटर. चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. आपने कभी सिस्मोग्राफ का नाम सुना है? नो सर. यस सर, यस सर. हाँ, क्या होता है ये सिस्मोमीटर? सिस्मोमीटर सर भूकंप को नापने के लिए, भूकंप को नापने वाला होता है, भूकंप को नापने वाला. तो सिस्मोग्राफ इज द एक्चुअल वेवफॉर्म ड्रॉन बाय द सिस्मोमीटर. ठीक है, और वो वेवफॉर्म को देखकर ही लोग एस्टिमेट करते हैं कि कितना भूकंप आया है, कितना. रिचर स्केल बोलते हैं ना एक, तो वो उस ग्राफ में वो स्केल होता है, उसके उसी ग्राफ के हिसाब से वो रिचर स्केल डिसाइड होता है कि कितना रिचर स्केल है, 6 स्केल है, 3 स्केल है, 7 स्केल है, 8 स्केल है, डेंजर लेवल है. ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग है, वो कंटिन्यूअसली वो रिकॉर्ड करते रहता है, वो वेव फॉर्म कंटिन्यूअसली वैल्यूज रिकॉर्ड करते रहता है कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो ये होता है रिकॉर्डिंग. एक मतलब मैंने थोड़ा बाहर का एग्जाम्पल दिया. आप रिकॉर्डिंग में आपके और हाँ ईसीजी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कई सारे होते हैं जो कि मेजर भी करते रहते हैं और साथ में रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और जब आपको रिपोर्ट देते हैं दोनों चीजें देते हैं, है ना. ईसीजी ऐसे, ईसीजी अकेला नहीं है, ऐसे कई सारे मेडिकल रिपोर्ट वाले. सर, 2D इको मशीन. कौन सा सर? रेनफॉल वाला मशीन. बिल्कुल रेनफॉल वाला ठीक है, स्टॉक मार्केट ठीक है. स्टॉक मार्केट में भी ऐसा कोई डिवाइस बताइए ना जो मेजर कर रहा हो. आप क्या कह रहे थे, कोई लड़की कह रही थी, क्या नाम है? हेलो सर. हाँ सर, 2D इको मशीन. हेलो सर. हाँ बिल्कुल सही. और सर, 2D इको मशीन. हाँ हाँ हाँ. हेलो सर. हाँ बोलिए, क्या नाम है सर? जो सर भानु प्रताप नाम है सर. जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं किसी एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए, वो कौन सा मीटर होता है? आपका वैल्यू प्लीज, सॉरी आपका वैल्यू नहीं, आपका वॉइस ठीक से नहीं आ रहा है प्लीज. सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ सर, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स होते हैं वो जो एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए मीटर यूज करते हैं, वो कौन सा मीटर होता है? नहीं आप टाइप करके भेजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही. ठीक है, टाइप कह रहे हैं. आत्मा को मेजर करने वाला मीटर कौन सा होता है? फिर से बोलिए. हेलो. हाँ हाँ फिर से सर, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो मीटर यूज करते हैं एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए, वो कौन सा मीटर होता है? भाई वो मैग्नेटोमीटर होता है.
नहीं मुझे आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी आई कैनॉट आंसर। आप मैंने कहा आप टाइप करिए चैट बॉक्स में, मैं कर दूंगा अभी। सर वेट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करने दो। तो रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग में हमने दो तीन एग्जांपल्स लिए। इंटीग्रेटिंग मैं फास्ट बता देता हूँ, इंटीग्रेटिंग में आप रेगुलरली इसको देखते रहते हैं, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट बिकॉज एनर्जी इज पी इंटू टी। अगर आपको याद है हमने आर एल सी के पैरामीटर जब डिस्कस किया था तो उसमें मैंने क्लियरली ई को ऐसे डिफाइन किया था, इंटीग्रल पी डी टी जीरो टू टी का। तो एनर्जी इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रल का रिजल्ट है एनर्जी। तो ये जो एनर्जी मीटर है वो भी इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट ही होगा। वो क्वांटिटी जो इंटीग्रेट होके हमें मिलता है उसको आप इंटीग्रेटिंग, उस क्वांटिटी को अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हो, एनर्जी मीटर। साथ में आजकल एनर्जी मीटर में रिकॉर्डिंग का फैसिलिटी भी आता है। तो इन दोनों का एग्जाम्पल आप एक एनर्जी मीटर ले सकते हो, ठीक है। ओके अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा था इसमें, ये तीन के बाद रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, हमें ये तीन चीजें, तीन रिक्वायरमेंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? एक है डिफ्लेक्शन, दूसरा है कंट्रोल, तीसरा है डैम्पिंग। इन मीटर्स में जैसे हमने अभी देखा हमें एक पॉइंटर को मूव करना है। हमने अभी तक डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन करके बात किया, बहुत अच्छा। हमने जो पहले इफेक्ट्स हमने डिफाइन किया उनमें से कोई एक इफेक्ट के हिसाब से, एक इफेक्ट के हिसाब से हम डिफ्लेक्शन मतलब लेकर आ गए। लेकिन जब डिफ्लेक्शन शुरू हुआ उस डिफ्लेक्शन को कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा, डिफ्लेक्शन इन्फाइनेटली वो जो पॉइंटर या नीडल है वो इन्फाइनेटली वो मीटर के आखिरी तक चला जाए, भाई विल दैट गिव यू अ राइट रीडिंग? नो। सो यू नीड टू हैव अ कंट्रोल विच विल स्टॉप द डिफ्लेक्शन एट पर्टिकुलर वैल्यू। अगर आप 10 वोल्ट्स मेजर कर रहे हो तो जीरो से लेके नीडल कहां पहुंचना है, 10 वोल्ट्स पर पहुंचना है। ऐसे नहीं कि नीडल पूरा जो है 10 क्या 20 क्या 50 तक पहुंच गया और वहां रुक गया, नहीं ना। तो देर डिफ्लेक्शन के लिए आप डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहेंगे, कंट्रोल के लिए आप कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जो कि जीरो से लेके जो डिफ्लेक्शन शुरू हुआ है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है इसका काम। और जब आपने कंट्रोल किया, मान लो आपने 10 वोल्ट पर कंट्रोल कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी 10 वोल्ट के आसपास भी वो धीरे धीरे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ये चीज आपने कभी ध्यान दिया होगा, कोई मीटर में अगर 0 से लेके 10 वोल्ट तक वो आगे बढ़ेगा, 10 वोल्ट के आसपास आगे पीछे थोड़ा सा ऑसिलेट हुआ होगा, उस ऑसिलेशन को कहते हैं, मतलब उस ऑसिलेशन को आप सप्रेस करना है। अगर वो ऑसिलेशन सप्रेस नहीं हुआ तो क्या वो मीटर आपको एग्जैक्टली 10 वोल्ट बताएगा? नहीं, क्योंकि वो आगे पीछे 10 के, मान लो 9.5 और 10.5 के पीछे ऑसिलेट हो रहा है। तो आप वैल्यू कैसे नापोगे, हाउ विल यू से, हाउ विल यू गिव अ प्रॉपर वैल्यू, हाउ विल यू मेजर अ प्रॉपर वैल्यू? सो यू नीड टू सप्रेस दैट ऑसिलेशन, एंड दैट सप्रेशन ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज डैम्पिंग। उसके लिए आपको एक डैम्पिंग टॉर्क चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको एक डैम्पिंग टॉर्क चाहिए। तो एक इंस्ट्रूमेंट में आप इन तीनों सेटअप्स को देखेंगे। आप डिफ्लेक्शन के लिए एक सेटअप देखेंगे, उस डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक सेटअप देखेंगे, और उसी डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के बाद कोई अगर ऑसिलेशंस हो तो उसको सप्रेस करने के लिए एक सेटअप देखेंगे। मतलब ये तीनों जोड़ के एक इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये बेसिक नॉलेज रिक्वायरमेंट है इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है। और खासकर हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनालॉग नहीं तो डिजिटल मिलते हैं जिसमें
ये सब चीज़ नहीं होता, जिसमें कुछ अलग ही सेटअप होता है। तो हम डिजिटल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम एनालॉग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ इस पॉइंट्स और इस टॉपिक को अभी आप रिवाइज कर लेना लैब जाने से पहले, ठीक है। बस एक सवाल मैं ले लेता हूँ, व्हाट इज डैम्पिंग? मैंने कहा ना डैम्प, मतलब मैंने कहा कि एक मीटर है, अगर वो जीरो से शुरू होगा, डिफ्लेक्शन आपने स्टार्ट किया, वो डिफ्लेक्शन मीटर स्केल के आखिरी तक ले जा सकता है वो डिफ्लेक्शन। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिफ्लेक्शन इस पॉइंटर को यहाँ आखिरी तक लेकर आएगा। लेकिन आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि वो वहीं तक कंट्रोल करे जहाँ तक उसे वैल्यू दिखाना है। तो मान लो आप 10 वोल्ट नाप रहे हो, तो 10 वोल्ट के पास आपका पॉइंटर कंट्रोल होके स्टॉप होना है। आपने मान लो कंट्रोल कर लिया यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा आगे पीछे ये ऑसिलेट हो सकता है। उस ऑसिलेशन को दबाकर सप्रेस करके बंद करना होगा, वरना क्या होगा, ऑसिलेशन को आपने बंद नहीं किया तो ये 10 नहीं दिखाएगा, ये हमेशा 9.5 10.5 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा। तो हाउ कैन यू डिफाइन द वैल्यू? यू कैन नॉट डिफाइन। तो उसके लिए आप सप्रेशन जो करते हैं ना, आप उस ऑसिलेशन को सप्रेस करने का तरीका को डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है, डैम्प बोलते हैं। ओके, जो लड़का पहले पूछ रहा था, योगेश, ये थोड़ा सा लेफ्ट वाला थोड़ा ऊपर ले जाइए, कोई पैरानॉर्मल कह रहा था ये, और थोड़ा, हाँ, which instrument use paranormal experts to measure energy? भाई सच में मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अभी आप बहुत ज़्यादा देखते हो क्या इंग्लिश में पैरानॉर्मल ये सब क्यों पढ़ रहे हो? अभी पहले नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़िए अभी फिलहाल, ठीक है, हमारे लिए उतना काफ़ी है। खैर पता कर लूंगा, चलो आपने पूछ लिया तो आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट, ओके, डोंट वरी। और कुछ? ठीक है सर, वेट कर रहे थे, मैंने काफी देर उनको वेट करा दिया। सलोनी शाकिया और शिवेंद्र त्यागी, संदीप, आप सब वीडियोस क्यों ऑन करके रखे हैं? हाँ, तमाशा दिखाना है क्या यहाँ पर क्लास में? वीडियो